शिक्षकों के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया है कि उन्हें 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिए जाएंगे। अनुग्रह अनुदान का प्रावधान कोई नया प्रावधान नहीं है, बल्कि पुराना प्रावधान है। फिर भी शिक्षा मंत्री जी की इस पहल का मैं सकारात्मक तरीके से स्वागत करता हूँ, लेकिन ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग का जो यह प्रावधान है वो इतना जटिल और वाऊ प्रक्रिया वाला है कि जो परिकल्पना की गई है कि निधन होने के तुरंत बाद 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा, उसको कार्यान्वित होने में वर्षों वर्षों के समय लग जाते हैं। इसके लिए एक अलग शीर्ष है और उस शीर्ष में कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते हैं। जब तक उसके शीर्ष को बदला नहीं जाएगा तब तक इस प्रावधान को सही तरीके से सम्यक तरीके से लागू कराने में कठिनाइयां होंगी। इस इन व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी ही सकारात्मक पहल बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों के संबंध में भी माननीय शिक्षा मंत्री जी को करनी चाहिए और जो मांगे हैं उन पर विमर्श करके उसका न्यायोचित समाधान तलाशना चाहिए। मेरे संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ लोग दिन में भी सपना देखने लगे हैं कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ सरेंडर कर रहा है। ऐसी अफवाहों का खंडन करता हूँ और शिक्षकों से आग्रह करता हूँ कि वो मुस्तैदी के साथ अपनी मांगों पर सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता के द्वारा समाधान होने तक डटे रहें और ऐसी भ्रामक बातों पर ऐसे भ्रामक समाचारों पर वो कतई ध्यान न दें, क्योंकि हड़ताल जब होते हैं तो उस समय इस प्रकार के भ्रामक समाचार कहीं कहीं से फैलाए जाते हैं और नेतृत्व के खिलाफ एक प्रचार किया जाता है, दुष्प्रचार किया जाता है। ऐसे दुष्प्रचारों से भ्रामक खबरों से आप सावधान रहें और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि मांगों पर सम्यक रूप से विचारोपरांत सरकार के द्वारा समझौता सब